लगाइए, अच्छा लगा यहाँ पे भाई, मस्त लग रहा है, अलग ही लग रहा है ये इनका। सो वेलकम टू लैंड ऑफ नागास, नागालैंड। तो भाई अभी हम है किसामा हेरिटेज विलेज, जहाँ पे होने वाला है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023। हर साल भाई यहीं पे होता है, और इस बार का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो 24वां है, 24th। तो हम देखने के लिए आए हैं दिल्ली से चल के स्पेशल, और हमारी तरह काफ़ी सारे लोग हैं जो देश विदेश हर जगह से यहाँ पे पहुँच चुके हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने के लिए। तो अभी अंदर जाएंगे, ये है मेन गेट आपके सामने हम दिखा रहे हैं। भाई फर्स्ट टाइम ये फेस्टिवल मैं देखने वाला हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कैसा होगा। तो इस फेस्टिवल में गाइस आने वाली है 17 ट्राइब, जो कि नागालैंड की अलग अलग जगह से आएंगे, और अपना जो कल्चर है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे भाई। तो उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि ऐसा हमने कभी देखा नहीं है, आज से पहले फर्स्ट टाइम देखने के लिए आए हैं। और इधर में है मेन डोर, विंडो टू नागालैंड। तो देखते हैं भाई कैसा रहता है अंदर, चलते हैं और आपको पूरा एक्सप्लोर करते हैं नागालैंड का ये फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो भाई अभी हम खड़े थे गेट के यहीं पे, और यहाँ पे देखो जो ट्राइब्स है ना वो आने लगे हैं अपना फेस्टिवल दिखाने के लिए। एक साथ जा रहे हैं, और पूरा ये मतलब अलग ट्राइब आते हैं, अलग अलग ट्राइब आएंगे सारे, अपना अपना जो उनका कल्चर है वो सारा शो करेंगे। हेलो। तो भाई जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग ट्राइब्स जो है ना वो अब आना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ ही टाइम में इधर में जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। गेट से हम अंदर एंटर कर चुके हैं, अब अंदर का दिखाते हैं कहाँ पे क्या प्रोग्राम होने वाला है, सारा कुछ आपको वही दिखाएंगे। ज़बरदस्त लग रहा है भाई अभी तो देख के, अलग एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा हमारे लिए। ये वो जगह है जहाँ पे भाई जो यहाँ के ट्राइब जो आ रही है ना वो अपने कल्चरल शो है ना प्रेजेंट करेंगे सबके सामने। ये पूरा ग्राउंड बना हुआ है, तैयारियाँ चल रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम वही अंदर आके देख रहे हैं कि क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। तो ये भाई सामने की तरफ स्टेज जो कि अभी बन चुका है, पूरी तैयारी चल रही है, और इस तरफ में जितने भी चीफ गेस्ट आएंगे ना वो सारे यहाँ पे बैठेंगे, और बाकी जो ऑडियंस है पब्लिक जो आ रखी है बाहर बाहर से, भाई विदेश से भी लोग आए हुए हैं काफ़ी सारे, उन सब के लिए इधर में बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पे सब बैठ के आराम से जो कल्चर है इनका दिखाएंगे वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। गजब है भाई। तो ये जो फेस्टिवल है इसको देखने के लिए भाई मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मतलब बता नहीं सकता कितना ज़्यादा, मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और साथ में भाई हम सब आए हैं ना, भाई पहली बार देख रहे हो आप भी? मैं अभी पहली बार आया हूं। सभी पहली बार देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसने पहले देख रखा है, तो सभी ज़्यादा उत्सुक हैं। जल्दी से जल्दी ये प्रोग्राम स्टार्ट और हम देख पाए और आपको दिखा पाए, जल्दी जल्दी जल्दी। गजब लग रहा है भाई, माहौल नेक्स्ट लेवल बना हुआ है, सब लोग आ रहे हैं अलग अलग जगह से, पूरे इंडिया से है ना, हर एक स्टेट से एक ना एक बंदा पक्का आया हुआ है यहाँ पे। तो भाई जहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है वहाँ से अभी मैं आया हूँ ऊपर की तरफ, जहाँ पे अलग अलग जो ट्राइब आती है ना वो अपने उनके हाउसेस बने हुए हैं वहाँ पे रुकते हैं, और ये हाउसेस ऐसे नहीं है पत्थर के बने हुए हैं, ये खुद से आते हैं, खुद से बनाते हैं, और फिर आने के बाद यहाँ पे अपना जो तैयारी है वो तैयारी सब करते हैं। तो आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। देखिए सामने की तरफ ऐसे अलग अलग बने हुए हैं, इधर में बना है, ऊपर में भी काफ़ी सारे बने हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले में चलते हैं, मतलब इनके अलग अलग ट्राइब के अलग अलग बने हुए हैं, तो ये वाली कौन सी ट्राइब है और क्या क्या यहाँ पे अंदर रीति रिवाज जो भी है वो सब हम देखते हैं कल्चर अंदर जाके। तो भाई मैं आया हूँ सबसे पहले चेकसेंग ट्राइब में, और इधर में देखिए अंदर पूरी तैयारी चल रही है, ये सब लोग देखो जो दिखाने आए ना फंक्शन वो अंदर में खड़े हुए हैं। तो इनमें से बात करते हैं कुछ लोगों से। हेलो, हाय, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अभी भाई ये फेस्टिवल अपना जो पूरा दिखा, आप कल्चर पूरा शो करेंगे अपना जितना भी है, और इनका पहनावा देखो भाई किस तरह का अलग से पहनावा है, ये खुद का हैंडमेड होता है कैसे? देखो इनका पहनावा सबसे अलग भाई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पहनावा रहता है सब ट्राइब्स का। गुड, थैंक यू, थैंक यू। इस तरफ में भाई तैयारी चल रही है, जो सिंगिंग वगैरह कर रहे हैं तो अपनी सारी तैयारी कर रहे हैं, देखो साथ में इधर में सिर्फ मेंस नहीं है, सिर्फ लेडीज वगैरह ना, सब ला रखे हैं और सब अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। हाँ ये देख रहे हो, गजब भाई गजब। और ये मकान टाइप बनाए हुए हैं पूरे, मतलब इसमें कहीं भी सीमेंट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं है, सिर्फ लकड़ियों से बम्बू से उन सब से इस मकान को ना रेडी कर रखा है। सब आते हैं अपने अपने ट्राइब से और इसके अंदर स्टे करते हैं, रुकते हैं, ये बैठने के लिए ये बम्बू से बनी हुई पूरी, गजब भाई। तो गाइस ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम है, ये है यहाँ के एक बर्ड का नाम हॉर्नबिल, तो उसी पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अभी हम दूसरे
जो ट्राइब है उसकी तरफ आए हैं, वहाँ का देखेंगे। और यहाँ पे है ना सब कुछ देखो, यहाँ का जो लोकल फूड है इनका खुद का वो भी मिलता है। इसके अलावा स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। ये वाला देखने चलते हैं अंदर में क्या चल रहा है। देखो सिंगिंग कर रहे हैं, अपना मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं। ये है हिम क्यों मतलब नाम नहीं पढ़ना आ रहा, सॉरी, बट ये ट्राइब है एक जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जो हट वगैरह बना रखी है इसका, इसको बोलते हैं मोरुंग। हर एक हट के बाहर आपको मोरुंग जरूर पढ़ने को मिलेगा। मोरुंग मतलब इनका मकान होता है। तो अभी हम जिस टाइम में है ना, इसका नाम है यामखुंग। और यहाँ पे इन्होंने ड्रेस पहन रखा है, देखो एकदम डिफरेंट ड्रेस है। और इन्होंने ये क्या चीज़ है, ये किससे बना होता है ऊपर का ओके सिंह से बनाया ओके। और ये नाखून लग रहे हैं भालू का, नाखून जो हाथ का नाखून होता है। तो ये सारा मतलब अलग अलग जानवरों का वो जो है ड्रेस पहन के आते हैं। और ये चीज अच्छा, पहले एलिफेंट का होता था, अब नहीं मिलता। तो इस तरीके से इनका गेटअप है भाई, काफी डिफरेंट है। और ये जो है ना, ये हॉर्नबिल का जो पंख होता है ना, जो यहाँ का बर्ड होता है उसका पंख है सामने, आप देख रहे हैं। तो कितने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ट्राइब आए हुए हैं और सब अपना अपना कल्चर शो कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है भाई यहाँ पे घूम के देख के इन सबको, वेरी ब्यूटीफुल। मैं चल रहा भाई इनका गाना सिंगिंग जो लोकल लैंग्वेज में है, हमको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ही इनकी ड्रेस वगैरह हमने देख ली इनको पहने हुए, बट अभी है ना इनके जो ये पहनावे में जो टोपी है वो अभी अपन ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं कैसा लगता है भाई। बनाओ वीडियो भाई, मस्त लग रहा है, अलग ही लग रहा है भाई। ये इनका ताज कह सकते हैं इनके भाई, जो ट्राइब है ना उसमें कैसे लग रहे हैं आप बताओ। मस्त है, हेलो हाय हाय, अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा भाई, अच्छा लगा मुझे पहन के टोपी कैसा। तो ये अभी हमने ये पहन के देखा, काफ़ी अच्छा लगा भाई। ये इनका ताज है, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये टोपी है ओनली, इसको ताज बोलेंगे। थैंक यू। तो इस तरीके से यहाँ पे ना अलग अलग जगह बनाई हुई है जहाँ पे आपको खाने पीने को कुछ भी मिल जाएगा। और ये अंदर बैठने के लिए से बना रखें, तो ये देखो ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं बैठे हुए। व्हाट इज दिस? मिल्क राइस, नॉट वाइन ना? इट्स वाइन। तो भाई ये लोकल है यहाँ की जो मिलती है, ये बाम्बू ओके बाम्बू के अंदर ये पी रहे हैं। तो भाई काफी अलग चीज देखने को दिख रही है यहाँ पे, देखने को मिल रही है। ओके थैंक यू। इस तरीके से भाई बना रखा है अंदर बैठने के लिए, अलग ही है भाई, देख रहे हो हर जगह। ये देखो यहाँ भी पार्टी चल रही है, चंदन भैया पार्टी कर रहे हो, पार्टी चल रही है। कैसा टेस्ट? मस्त एकदम, मिलेट भी है, खट्टा 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 चढ़ेगा। आपको ट्राई करना है? ट्राई करेंगे ना, थोड़ा ले लो भाई, ये मिल का ना इसलिए ट्राई कर रहा हूँ, अगर खाली बियर होती तो नहीं करता मैं, थोड़ा सा देसी ठहरा है, ट्राई करते हैं ना आए हैं तो। क्या गट्टा ये तो भाई अपने यहाँ छाछ होती है ना, छाछ जैसा टेस्ट है, लस्सी। ड्रेस देखो यार, जो लेडीज लोग हैं यहाँ के ट्राइब में उनके भी अलग अलग ड्रेस है। दिस इज हैंडमेड खुद से बनाया, देख रहे हो भाई अलग अलग चीज, अलग अलग पहनावा, सब ट्राइब का अलग अलग पहनावा है। व्हाट इज दिस भाई, ये बता नहीं पा रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। बाकी जो ड्रेस है ना इनका गेटअप, देखो सोल वगैरह है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, चूड़ियाँ वगैरह भी जो पहनी हुई है इन्होंने, बहुत मस्त लग रहा है, नाइस।
तो गाइस नागालैंड के इस फेस्टिवल में ना आपको जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल मनाया जाता है वो तो दिखेगा ही, उसके अलावा भाई आपको काफ़ी सारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल आइटम है ना जो पहनते हैं यहाँ के लोकल लोग वो सब आपको देखने को मिलेगा, जैसे बाम्बू से बने हुए कप, ये सब्जी वगैरह काटने के लिए आता है तो उनको आता है हिंदी मैम वो क्या है जो सामने है ताव, ताव। किस काम आता है फॉर यूज? यू कैन कीप इट फॉर शॉपिंग्स और यू कैन कट मीट वेजिटेबल्स। ओके 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 ओके। और अभी इनसे हम कुछ ना कुछ परचेज भी करेंगे, क्या ले हमारे लिए बढ़िया सी चीज बताइए जो हमारे पे अच्छी लगे। है रुकना है, कौन बोला? देखो बढ़िया चीज हम लेंगे, कुछ ना कुछ तो लेंगे। ये दिखाओ, ये देंगे दिखाओ। ओके, दिस इज शो पीस भाई, जो कार वगैरह में लटकाने के लिए, तो काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं इनके पास में। तो भाई अभी मैं आया हूँ कोन्याक ट्राइब में, जो भाई नागालैंड के ना सबसे फेमस ट्राइब है, और इनको भाई कहते हैं हेड हंटर। ये देखो इनके हाथ में ना ये हमेशा पाएगा, और एक ये बंदूक। नहीं नहीं नहीं, रियल बंदूक है वो। चलेगा ना ठीक से, अच्छा से पकड़ो। अरे चलाना मत, लग जाएगा किसी को। अरे नहीं लगेगा, ऊपर की तरफ चलाएगा। चलेगा ना, क्या बोलता है? कैसे पकड़ो? सब पकड़ो यहाँ में। हाँ पकड़ो यहाँ में, स्ट्राइक है ऐसे ऊपर में देखो। एक मिनट, धीरे धीरे धीरे, मत 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 लगाओ, बोल लगाओ। आग बंद क्यों कर रहा है? अच्छा इसको क्या? बाद में करो, बाद में। वीडियो का? हाँ। चलो मारो। भाई क्या भाई? कैसा लगा? कैसा लगा? भाई खतरनाक है, भाई खतरनाक है। ये सीरियसली खतरनाक है। भाई सर घूम गया मेरा। बंदूक से मार दूंगा, चलाना आसान नहीं, पूरा बदन हिल गया मेरा। ये हिल गया ऊपर से नीचे तक। क्या नाइस, थैंक यू। सच में यार ये वाला एक्सपीरियंस ना आपको यहाँ आके ही मिलेगा। सच्ची में कहीं जाओ कुछ भी करो, ये यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना हॉर्नबिल का नेक्स्ट लेवल है, कहीं आपको मिल ही सकता। सही बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा थैंक यू। थैंक यू अगेन। तो भाई अभी हम देख के आए अंदर, जितने भी ट्राइब आ रखे ना वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या जबरदस्त लगा भाई, मतलब सोच से परे था, जबरदस्त जिंदाबाद वाली बात थी। और अभी है ना इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी है ना 4 बजे के आसपास में फंक्शन जो ओपनिंग सेरेमनी है ना वो स्टार्ट होगी, तो वो भी हम आपको अलग से सेपरेट वीडियो में दिखाएंगे। बाकी ये वाला वीडियो आपने देखा है, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ, बाय बाय। अगर आना चाहते हो और मिल देखने तो 10 तारीख तक आ जाओ, द्वार खुले हैं भाई आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए। जय हिंद जी।